एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज का चैप्टर हाउ अवर टाउन्स आर रन्स, क्लास फोर्थ क्लास का चैप्टर। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ अवर टाउन्स आर रन, जो हमारे टाउन्स हैं वो कैसे रन किए जाते हैं, यानी कि वो कैसे चलते हैं, जो हमारे शहर हैं वो कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है उनको। देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव टू बी लुक्ड आफ्टर आफ्टर इन अ टाउन। रोड्स हैव टू बी मेंटेन्ड, गार्बेज हैज टू बी कलेक्टेड, द पीपल हैव टू बी गिवन क्लीन वाटर एवरी डे एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो हम अपने टाउन में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो रोड है वो मेंटेन कौन करता है, जो कबाड़ है यानी कि जो भी गार्बेज है उसको कलेक्ट कौन करता है, जो हम लोगों को पानी दिया जाता है साफ रोज वो कैसे, कौन इसके पीछे इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। म्युनिसिपल बॉडी और म्युनिसिपैलिटी ऑफ ए टाउन और सिटी डज ऑल दिस एंड मोर। जो म्युनिसिपल बॉडी है या म्युनिसिपैलिटी है वो हमारे जो शहर है या टाउन है इसमें ये काम क्या करती है। इट इज द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए टाउन और सिटी, ये क्या है, एक लोकल गवर्नमेंट है किसकी, या तो शहर की या टाउन या सिटी। सिटी थोड़ा और बड़ा शहर हो जाएगा, टाउन थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमिटी इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज। तो बच्चों म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमिटी हम इसको बोलेंगे टाउन्स या स्मॉल सिटीज में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम बोलेंगे बिग सिटीज में। द फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी इन इंडिया वॉज सेट अप इन मद्रास, नाउ चेन्नई। जो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी हमारे भारत में स्थापित हुई वो कहां हुई, मद्रास, जिसको हम अब बोलते हैं चेन्नई। हाउ ए म्युनिसिपैलिटी इज फॉर्म, और ये जो म्युनिसिपैलिटी है कैसे फॉर्म हुई, तो ये हम पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ ए टाउन इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ देयर म्युनिसिपल काउंसिल फॉर 5 years। जो हम लोग हैं यानी कि हम शहरों में जो लोग रहते हैं वो हम सदस्य जो म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य होते हैं उनको 5 साल तक चुनते हैं। देन इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन टू इलेक्ट न्यू मेंबर, फिर से इलेक्शन होंगे 5 साल बाद, फिर नया मेंबर कोई बनेगा। द मेंबर्स आर चोजन फ्रॉम अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द टाउन, जो मेंबर्स हैं वो कहां से चुने जाएंगे, टाउन के रेजिडेंट यानी कि जो लोग टाउन में रहते हैं उन्हीं में से चुना जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे देश का ला जाएंगे हम, ऐसा नहीं है, जो उस टाउन में रहेंगे वही लोग चुने जाएंगे। अ रेजिडेंट ऑफ ए टाउन इज ए पर्सन हु लिव्स इन इट, और जो टाउन का जो रेजिडेंट होता है यानी कि वो जो कोई भी पर्सन होगा वो वहां रहना चाहिए। ओनली दोज हु आर 18 और ओल्डर आर रेजिडेंट्स ऑफ ए टाउन कैन वोट इन द म्युनिसिपल इलेक्शंस ऑफ द टाउन, जो लोग उस टाउन में रहेंगे वही वोट कर पाएंगे जब म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे उस टाउन के। A town is divided into many wards, जो टाउन है उसको बहुत वार्ड में डिवाइड किया जाता है, बहुत सारे वार्ड होते हैं बच्चों, जो टाउन है उसके अंदर बहुत सारे वार्ड आते हैं। द पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, और जो लोग हैं वो एक प्रत्येक वार्ड का एक मेंबर जो म्युनिसिपल काउंसिल का मेंबर बनेगा वो चुनते हैं। इफ अ टाउन हैज 20 वार्ड्स फॉर एग्जांपल, इट्स म्युनिसिपल काउंसिल विल हैव 20 इलेक्टेड मेंबर्स। अगर हमारे टाउन में 20 वार्ड्स हैं तो यानी कि उसमें कितने मेंबर होंगे, 20 इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो जैसे उनकी वार्ड्स की क्वांटिटी होगी उतने ही मेंबर होंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको काउंसिलर कहा जाएगा, जो हमने इलेक्ट कर दिया, जिन सदस्यों को हमने चुन दिया उनको उन वोटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनका उनको क्या कहेंगे, काउंसलर्स। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज कॉल्ड चेयरपर्सन, और जो हेड होगा म्युनिसिपल काउंसिल का उसको बोलेंगे चेयरपर्सन, यानी कि जो हेड होगा उनका उनसे बड़ा। ही और सी इज इलेक्टेड बाय द काउंसलर, और या तो वो वोमेन होगी और मैन होंगी, ठीक है, तो उसको उनको काउंट कौन करेगा, उनको इलेक्ट कौन करेगा, काउंसलर्स। द मेंबर्स ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड इन द सेम वे बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए बिग सिटी, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर होंगे वो भी उसी वे में इलेक्ट किया जाएंगे जैसे कि बिग सिटी में, जैसे स्मॉल टाउन का प्रोसेस होगा वैसे बिग सिटी में भी होगा, वहां भी जो रेजिडेंट रहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब चुनाव होगा तो उसमें भी वही मेंबर बनेंगे जो लोग वहां उन बड़े बड़े शहरों में रहते हो, ठीक है। द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर, और जो हेड होता है कहाँ का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका जो हेड होगा वो मेयर होगा, और जो टाउन में जो हेड होगा वो चेयरपर्सन होगा, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बिग सिटीज में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका हेड क्या होगा, मेयर होगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, काउंसलर और चेयरपर्सन या मेयर। अब टाउन और सिटी उसको डिवाइड किया वार्ड्स में, ये बच्चों ठीक है। अब देखा हमने कि ये जो वार्ड है इनका जो हेड है, ठीक है, इनको वो किसके अंडर में, काउंसलर्स, और काउंसलर के ऊपर कौन बैठता है, चेयरपर्सन और मेयर। तो हमने ये पढ़ा कि टाउन और सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। फाइंड आउट इफ योर सिटी और टाउन हैज अ म्युनिसिपल काउंसिल और ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपको ये देखना है कि जो आपका सिटी और टाउन है वहां म्युनिसिपल
काउंसिल है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अगर आप टाउन में रहते हो तो वहां होगा म्युनिसिपल काउंसिल, और अगर आप टाउन से थोड़ा बड़ी सिटी यानी कि जिनको हम सिटी बोलते हैं थोड़ा बड़ी होती है टाउन के कंपेरिजन में, वहां कौन होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑल्सो फाइंड आउट द नेम ऑफ द चेयरपर्सन और मेयर, और हमें यह भी ढूंढ निकालना है कि चेयरपर्सन जो टाउन में होगा और जो मेयर है जो बड़ी सिटी में बैठता है उनका नाम क्या है। व्हाट अ म्युनिसिपैलिटी डज, म्युनिसिपैलिटी क्या क्या काम करती है। अ म्युनिसिपैलिटी वर्क्स टू प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशंस फॉर द पीपल ऑफ ए टाउन और सिटी। जो म्युनिसिपैलिटी है वो प्रोवाइड करती है अच्छी कंडीशन, यानी कि जो लोग हैं उस सिटी या टाउन में रहते हुए उनको अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड एंड कीप्स देम क्लीन, ये क्या बनाती है रोड बनाती है और उनको मेंटेन भी रखती है, कहीं टूट तो नहीं गई तो उनको मेंटेन रखेगी कौन, म्युनिसिपैलिटी। इट प्रोवाइड्स पीपल विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये लोगों को साफ पानी पीने का देती है। इट सेट अप स्कूल्स एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एंड लाइब्रेरी, ये स्कूल बनाती है सेटअप करती है और एडल्ट एजुकेशन सेंटर यानी कि जहां थोड़ा बड़े बच्चे पढ़ पाए और लाइब्रेरीज जहां बुक मिले उनको, ठीक है। इट लुक्स आफ्टर द लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट, अगर हमारे मोहल्ले में जो हमारी स्ट्रीट है गलियां उसमें जो लाइट लगी रहती है बच्चों उनको भी देखते हैं वो कहीं कोई लाइट खराब तो नहीं हो गई है, वो उसको सही कर देते हैं। इट ओपन डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर, ये हेल्थ सेंटर और डिस्पेंसरीज भी ओपन करते हैं जहां दवाई मिलती है और जहां हमारी हेल्थ का ध्यान रखा गया है। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स मार्केट एंड पब्लिक टॉयलेट्स, ये मार्केट और पब्लिक टॉयलेट को मेंटेन करता है। मार्केट यानी कि कोई दुकान कहीं पे गलत जगह पे तो नहीं लग गई, ठीक है, और पब्लिक टॉयलेट्स यानी कि जो भी सुविधा होती है यानी कि जैसे पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक टॉयलेट बनाते हैं इमरजेंसी के लिए। इट हेल्प्स सेट अप रेशन शॉप्स, ये रेशन शॉप भी बनाते हैं, रेशन शॉप जहां में गेहूं चावल ये मिलते हैं, ठीक है, और दाल भी मिलती है, जहां जो गरीब लोग हैं वो वहां से लेते हैं कम दाम में क्योंकि वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ज्यादा प्राइस वो एफर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए रेशन शॉप्स होती हैं जहां उनको कम दाम में वो चीजें मिलती हैं खाने की। इट बिल्ड्स पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स एंड प्लांट ट्रीज, ये पार्क्स भी बनाते हैं हमारे लिए घूमने के लिए, खेलने के मैदान भी बनाते हैं और प्लांट करते हैं ट्रीज के लिए। तो ये इतनी सारी चीजें बच्चों जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो मेंटेन करती है। इट गेट्स रिड ऑफ ऑल द गार्बेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, ये क्या करता है जो भी हमारे घरों में कूड़ा हो रहा है उसका भी एक प्रोसेस बनाता है कि उसको कैसे एकत्रित किया जाए घरों से ताकि जो रोड्स वगैरह वो साफ रहे, आसपास हमारे एनवायरनमेंट गंदा ना हो, और जो फेस वाटर है घर से निकलता हुआ उसके लिए कैसी जो नालियां ड्रेनेज सिस्टम वो कैसा होना चाहिए, ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, ऐसे ना कि मार्केट में कोई ऑफिस लगा देगा अपना, ये भी देखते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केट की जगह पे मार्केट की शॉप कहाँ पे हो, और बहुत सारी चीजें। इट लुक्स आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ द टाउन, वो ये भी देखेगा कि जो ड्रेनेज में ये जो साफ पानी या गंदा पानी के लिए क्या सिस्टम किया जाए। That means it does not let rain water collect anywhere. ये नहीं चाहता कि हर जगह बरसात का पानी इकट्ठा हो, अगर इकट्ठा होगा बच्चों तो उससे क्या होगी डिजीज होगी, ठीक है, और एंड वो ये सोचता है कि इस पानी को कैसे साफ किया जाए, इस पानी को कैसे क्या क्या सिस्टम बनाया जाए, ठीक है। When a baby is born or person dies, अगर कभी जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है और कोई भी पर्सन डाई होता है यानी कि डेथ हो जाती है किसी भी की भी, तो वो क्या करते हैं उन लोगों से क्या करते हैं उनके परिवार के लोगों से फॉर्म फिलअप कराते हैं और उसको हमें म्युनिसिपैलिटी को देना होता है और वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा एक डेथ सर्टिफिकेट हो जाएगा। दिस हेल्प द म्युनिसिपैलिटी नो अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन और सिटी, ये हेल्प करेगा जो म्युनिसिपैलिटी है वो ये जाने कि हमारे शहर में अभी कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने मर गए। एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड अ बिल्डिंग हैज टू शो अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग टू द म्युनिसिपैलिटी, अगर किसी को भी बिल्डिंग बनानी है उस शहर में तो उसको सबसे पहले अपना प्लान उसको बताना होगा, किसको म्युनिसिपैलिटी, वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, ठीक है, और जब वो पास कर देगा म्युनिसिपैलिटी उसके प्लान को तब वो क्या करते हैं वो उस बिल्डिंग को लगा सकते हैं। तो इतना टाइप के काम करता है म्युनिसिपैलिटी और जो हमारे वेलफेयर के लिए सोचता है बच्चों। हाउ वी कैन हेल्प, अब म्युनिसिपैलिटी हमारी कितनी मदद कर रही है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम म्युनिसिपैलिटी को हेल्प करें, तो कैसे करेंगे हम हेल्प उसको जो वो काम करता है उसके पैसे देके, क्योंकि वो जो काम करेगा उसके लिए तो उसको बहुत सोचना पड़ता होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज इस डेवलप करने के लिए थोड़ा पैसे तो चाहिए, तो कुछ पैसे तो हमारी राज्य सरकार देती है बच्चों और कुछ हम लोग उसको टैक्स के रूप में देते हैं, ठीक है। एज यू नो अ टैक्स इज द मनी पीपल पे टू द लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, और हमको पता है कि जो टैक्स है वो एक टाइप की मनी है जो हम लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को पे करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, बहुत टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे कि पीपल हु ओन हाउसेस पे प्रॉपर्टी टैक्स टू द म्युनिसिपैलिटी, जैसे हम लोगों ने अगर घर खरीद लिया तो हमें टैक्स के रूप में म्युनिसिपैलिटी को पैसे देने हैं। पीपल हु
पीपल ऑल्सो पे वाटर टैक्स. हम क्या करते हैं, जल का जो कर है वो भी देते हैं, यानी कि वाटर टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं जल कर. अ म्युनिसिपैलिटी ऑल्सो कलेक्ट सम फीस लाइक द फीस फॉर शॉप्स इन इट्स मार्केट. और जिन लोगों की मार्केट में दुकान है उनसे भी वो फीस लेता है. ठीक है, वी कैन हेल्प द म्युनिसिपैलिटी बाय पेइंग टैक्सेस एंड फीस ऑनेस्टली. और हमें म्युनिसिपैलिटी की ऐसे मदद करनी चाहिए कि हमें उनको टैक्स और फीस दोनों ऑनेस्टली ईमानदारी से देना चाहिए. ठीक है, वी कैन ऑल्सो हेल्प बाय कीपिंग द रोड्स एंड पार्क्स क्लीन. हमें जो रोड्स और पार्क्स है उसको साफ रखना चाहिए. ऐसे ना कि टॉफी खाई और उसका जो रैपर है वो हमने सड़क में फेंक दिया. ये बहुत गलत बात है बच्चों. हमें अपनी इंडिया का सिटीजन होने, अपनी कंट्री का हम सिटीजन है, जो हम लोग नागरिक हैं यहाँ के, तो हमें ऐसी साफ सफाई, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी रखें. ऐसे ना कि केला खाया उसका जो छिपकल है वो फेंक दिया, ऐसे नहीं. ठीक है, उसको डस्टबिन में फेंको. नॉट डैमेजिंग थिंग्स लाइक स्ट्रीट लाइट एंड पार्क बेंचेस. हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट लाइट को डैमेज नहीं रखना चाहिए. क्योंकि ऐसा ना हो कि ये तो उन्होंने लगा देखी म्युनिसिपैलिटी ने, ये तो हमारे पैसों से नहीं है, हम उसको डैमेज करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है. हमें पार्क बेंचेस भी डैमेज नहीं करने चाहिए जो हमारे बैठने के लिए लगाए रहते हैं. नॉट क्लॉगिंग अप ड्रेन्स. जो भी ड्रेन्स है यानी कि नालियां हैं उनको केवल उनको ब्लॉक नहीं करना. ठीक है, एंड नॉट वेस्टिंग वाटर. हमें पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बचा के रखना चाहिए बच्चों. वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर मेनी प्लेसेस इन आवर टाउन्स एंड सिटीज वेयर रेजिडेंट्स डू नॉट हैव वाटर कनेक्शन. हम ये भी देखते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे शहरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी उनको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. इंडियन टाउन्स एंड सिटीज हैव अ शॉर्टेज ऑफ पब्लिक टॉयलेट. सुलभ इंटरनेशनल इज एन एनजीओ दैट हेल्प बाय मेकिंग सच टॉयलेट्स. पीपल हैव टू पे टू यूज दिस टॉयलेट्स. तो बच्चों जो हमारा देश है, ठीक है, वहां जो टाउन्स और सिटीज है उनमें पब्लिक टॉयलेट की क्या है, शॉर्टेज है. तो इसलिए जो सुलभ इंटरनेशनल एक क्या है, एनजीओ है, वो क्या करती है, मदद करती है. और वो क्या बनाती है, टॉयलेट बनाती है. ठीक है, पीपल हैव टू पे टू यूज दिस टॉयलेट. और पीपल को यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पे फीस देनी पड़ती है जब हम इनको यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है, वो हमारी मदद करती है. और एनजीओ संस्थाएं हैं नॉन गवर्नमेंट जो हमारी मदद करती है. उनको उनके पास अलग अलग स्कीम आती है और जो भी हमारे कंट्री को जरूरत है वो काम वो करती है. ठीक है, और बच्चों ये म्यूनिसिपल मार्केट आपको यहाँ पे फिगर में पिक में बताया गया है और म्यूनिसिपल टॉयलेट भी पिक्चर में दिखाया गया है कहीं का एग्जांपल. ठीक है, तो आज के चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा कि हमारा टाउन्स को रन कौन करता है, हमारे टाउन्स की देखभाल कौन करता है, हमारे टाउन्स में जो रोड्स वगैरह हो गई और ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, गार्बेज सिस्टम, इन सब का ख्याल कौन रखता है. ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा. और मेरे वीडियोस आप ऐसे ही देखते रह कीजिए और लाइक भी किया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.